Good morning students, in the last video we have discussed about the relative velocity. In today's video we are going to start a new topic beta, projectile motion. This is very important topic. Be careful, be regular in this topic. This is very important, somewhat you can say typical also, and very important for the competition exam and for your syllabus exam. Yes, so व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा. मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लास्ट वीडियो में आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपका जब भी आप किसी भी अपने बेंच पे या आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से अगर आप ऊपर की साइड में हल्का सा एंगल लेके कुछ फेंकते हैं, लाइक आपने अपना पेन थ्रो किया है, वो पेन क्या करता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, उस हाइट के बाद में कुछ दूरी के बाद जाकर वो गिर जाता है. तो बेटा इसमें हम तीन चीज़ें बेसिकली फाइंड आउट करेंगे, एक चार चीज़ें. एक तो हम जो भी ये पाथ फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दूसरा जो भी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वन जितना इसने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है ग्राउंड पे आकर वापस गिरने के लिए उतना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, एंड फोर्थ वन जहाँ से फेंका है और जहाँ पर आके गिरा है वो आपकी कहलाती है ओरिजोनटल रेंज. तो वो आप रेंज फाइंड आउट करोगे. तो इसमें बेसिकली हम चार चीज फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. तो जो भी ऑब्जेक्ट फेंका गया है या थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, वही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है. अब आ जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा, कि जो भी मोशन उस पाथ में थ्रो करने के बाद में वापस ग्राउंड तक आने में जो भी मोशन उस पाथ में ट्रेस किया है वही मोशन आपका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. दैट इज द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विच इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. थ्रोन के बाद में जो भी मोशन उसने किया है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा. नेक्स्ट आपका क्या है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन. फिर उस मोशन के हम दो सेपरेटली कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं, एक एक्स कंपोनेंट में उसको रिजोल्व कर देते हैं हर एक जगह पे जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है, एक उसके वाई कंपोनेंट में. द कंपोनेंट्स अलोंग द ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट एक्सीलरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा. एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कॉन्स्टेंट होगी. मतलब ओरिजोनटल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, ग्रेविटी तो रहेगी ही रहेगी. तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसके ऊपर रहता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्सीलरेशन रहेगा, लेकिन ओरिजोनटल डायरेक्शन में पार्टिकल के बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी ओरिजिनल डायरेक्शन में ईच एंड एवरी मोमेंट मोशन में सेम रहती है. आगे बढ़िए. द कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन इज विदाउट कांस्टेंट, इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. वाई ग्रेविटी के अंदर ये रहता है. इन आर स्टडी द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. हम जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो बेटा हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देंगे. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द एंटायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. जो ग्रेविटी है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी 9.8. अब हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं. सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद वेलोसिटी वी नॉट. हमने वी नॉट वेलोसिटी या थीटा एंगल ही बना रहा है ओरिजोनटल के साथ में. तो ये एक्स वाई एक्सिस ले लिया. अभी देखिए यहाँ से ये आपका पार्टिकल गया है, आपने फेंका, यहाँ तक जाके ये मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद में ये पार्टिकल नीचे आ गया, तो ये वापस आके ग्राउंड के ऊपर मिल गया है. तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी नॉट और जो ओरिजिनल के साथ में जो भी एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहता है दैट इज थीटा, ये वी नॉट है, ये आपका एंगल थीटा नॉट है बेटा. ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपको दी हुई है, इन दो चीज़ों की हेल्प से मैंने जो बाकी चीज़ें चार चीज़ें बताई थी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है क्या बोलूँ मैं, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर पॉजिटिव वाई में आप क्या लेके चलते हो, प्लस जी लेके चलोगे, तो नेगेटिव वाई में क्या जाएगा, माइनस जी. और जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूरा एक्सीलरेशन लिखने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी जे कैप. नेक्स्ट, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी जे कैप.
और यू कैन से ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ए एक्स जीरो है क्योंकि वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन इन ओरिजेंटल डायरेक्शन। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर वी नोट एक्स और वी नोट वाई हो जाएगा आपका। ये देखिए ये ओरिजेंटल डायरेक्शन का वी वाई, ये वी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा वी नोट कोस थीटा। ये कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया आपका ओरिजेंटल, वी नोट साइन थीटा। ये कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया आपका वर्टिकल कॉम्पोनेंट। सो वी नोट एक्स इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा, वी नोट वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा। इफ द इनिशियल पोजिशन इज टेकन एज द ओरिजन देन एक्स नोट और वाई नोट को हम जीरो जीरो लेके चलते हैं। अभी इससे पहले हमने इक्वेशन निकाली थी एक्स इक्वल टू एक्स नोट, मोशन की जो इक्वेशन निकाली थी इससे पिछले वाली स्लाइड में ही लास्ट वीडियो में, तो वो क्या थी एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। जब एक्स नोट और वाई नोट को जीरो पुट कर दोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नोट एक्स इंटू टी फर्स्ट इक्वेशन से, तो वी नोट एक्स कितना हो जाएगा आपका क्योंकि आपका x डायरेक्शन में तो ए एक्स भी जीरो है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा आपका v नोट x इंटू टी। वी नोट x अभी अभी निकाला है कितना है v नोट cos थीटा नोट, तो आप क्या बोलोगे v नोट cos थीटा नोट इंटू में t, दिस इज योर x कॉम्पोनेंट एट ओरिजिन। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y नोट जीरो हो जाएगा लेकिन ए वाई जीरो नहीं होगा क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस थ्री है, तो ये वाला जब टर्म में रखोगे तो ये वी नोट आ जाएगा वी नोट साइन थीटा नोट इंटू में टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू में टी स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर इस मोशन के अलोंग। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा वी नोट एक्स इज इक्वल टू में वी एक्स इज इक्वल टू में वी नोट एक्स प्लस ए एक्स टी। तो ए एक्स अगेन जीरो, तो वी नोट एक्स कितना हो जाएगा अगेन अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी v नोट cos थीटा नोट, अलोंग द y डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी v नोट sin थीटा नोट माइनस ऑफ gt। सेम टर्म आपका ये a y की वैल्यू आपने माइनस c रख दिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ बेटा। o पॉइंट के ऊपर देखिए, o पॉइंट के ऊपर आपका पार्टिकल किसी भी थीटा नोट एंगल के ऊपर है, टोटल वेलोसिटी v नोट है, ये v नोट cos थीटा नोट, ये v नोट sin थीटा नोट। अब जब पार्टिकल ऊपर पहुंच गया तो इसने माना कोई एंगल बीटा बनाया है, तो अब ये कितना हो जाएगा ओरिजिनल कंपोनेंट ऑलवेज सेम रहेगा वी नोट कोस थीटा नोट रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया पिछले स्लाइड में वी नोट साइन थीटा नोट माइनस जी टी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है वी टी है, जब ये बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा बेटा तो उस टाइम पे आपका उससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब कि वी वाई का कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, तो सारी की सारी वेलोसिटी कहाँ चली जाएगी एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कैसी रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो आपकी ये वेलोसिटी कितनी होगी वी नोट कोस थीटा नोट। जब भी पार्टिकल नीचे आएगा तो नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा माइनस जी, तो अब ये देखिए आप जब इस तरह से करोगे तो इसके कॉम्पोनेंट रिजोल्व करोगे तो एक आएगा इधर एक आएगा इधर, तो x तो जा रहा है पॉजिटिव में ही, तो मतलब v x का कंपोनेंट तो v नॉट cos थीटा नॉट हो जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर जब आप y कंपोनेंट निकाल रहे हो तो y कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है, और यहाँ पर आपने जो जनरली y कंपोनेंट लेके चलते हैं वो अपवर्ड लेके चलते हैं, तो वैल्यू तो इतनी ही आएगी लेकिन इसके ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा पार्टिकल नीचे जाएगा, तो एक्स यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा माइनस थीटा नोट बन जाएगा, इसके और इसके बीच में देखिए ये माइनस थीटा नोट बन जाएगा, ये इधर कंपोनेंट कितना आ गया वी नोट कोस थीटा नोट, ये वाली जो वेलोसिटी है ये जस्ट इसका ऑपोजिट आ गई, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस वी नोट साइन थीटा नोट। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी जीरो। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नोट क्या दिया है ओरिजिनल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, मैं आपको बता चुकी हूँ, बट वर्टिकल कॉन्स्टेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पीक के ऊपर, क्योंकि पीक के बाद पीक के अगर वर्टिकल में कोई कॉम्पोनेंट होगा तो पार्टिकल और ऊपर जाएगा, बट दिस इज द मैक्सिमम हाइट, उस हाइट के बाद तो पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं सकता, मतलब कि वर्टिकल में कोई कॉम्पोनेंट अभी नहीं है वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, तो यही लिखा गया है,
अगेन इंक्रीजेज इन द ओपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसके बाद ये जब जीरो हो जाता है उसके बाद में नेगेटिव में ये वापस इंक्रीज होने लगती है वेलोसिटी। इसके बाद में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन इंस्टेंट टी इज गिवन बाई। अब क्या बोलोगे आप, एक्स और वाई के कॉम्पोनेंट का स्क्वेयर कर दोगे, तो एक्स का कॉम्पोनेंट जनरल टर्म के लिए क्या है, वी नोट कोस थीटा नोट, तो इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वी नोट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा नोट, और वी वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों टर्म्स का होल स्क्वेयर आ जाएगा, वी नोट साइन थीटा नोट माइनस थीटी का होल स्क्वेयर। जब आप इसको ओपन ये इसी तरह से लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, बीटा बाई अल्फा, वही तो वी वाई क्या लिखते हैं हम, टेन बीटा क्या लिखोगे, वी वाई कॉम्पोनेंट अपॉन वी एक्स कॉम्पोनेंट, तो वी वाई कॉम्पोनेंट कितना है, वी नोट साइन थीटा नोट माइनस सी टी, वी एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, वी नोट कोस थीटा नोट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दैट इंस्टेंट टी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ये तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली है, उसकी डायरेक्शन निकाल ली है, अब हम पाथ की इक्वेशन निकालते हैं। पाथ की इक्वेशन के लिए हमें पहले एक्स और वाई निकालना होगा। शेप कैसा है, शेप फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। बेटा जब आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन आएगी ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो शेप के लिए हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो एक्स के कॉम्पोनेंट ये आ गया, तो जहाँ से हम टी निकाल सकते हैं कि ये एक्स अपॉन वी नोट कोस थीटा नोट है। वाई भी, वाई का कॉम्पोनेंट भी हमने निकाला था, लेकिन अब हम वाई में एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू रख देंगे, तो वाई और एक्स में हमारा टी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाई और एक्स में वी नोट थीटा नोट तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसलिए वाई और एक्स में ये इक्वेशन पूरी आपकी बन जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये इक्वेशन बनेगी इस तरह से, तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू में टेन थीटा नोट माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू वी नोट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा नोट, ये आपकी इक्वेशन बनी किसकी, एक्स और वाई में। अब आप क्या देख रहे हो बेटा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के टर्म्स में कुछ इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा कोऑर्डिनेट्स में। इस इक्वेशन में आपका जी थीटा नोट और वी नोट तो कॉन्स्टेंट है, तो अगेन जो अभी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, और ये जो फॉर्म है ये आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला का फॉर्म है, जहाँ पर ए इक्वल टू टेन थीटा नोट है, बी इक्वल टू जी अपॉन टू वी नोट कोस थीटा नोट का होल स्क्वेयर है। तो इस तरह से हमने ये हमने क्यों पुट किया है बेटा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, ताकि हमें ये किस टाइप की इक्वेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये वैल्यूज ए और बी के टर्म्स में पुट कर दी है। द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। सो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो हमारा पैराबोला है। अब हम टाइम ऑफ रीच, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट कितनी देर में प्राप्त करता है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टी एम हमने टाइम ले लिया प्रोजेक्टाइल का फॉर मैक्सिमम हाइट, और टी एफ ले लिया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट टी बराबर टी एम और वी इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, तो वी वाई जीरो होते ही हम वी वाई कॉम्पोनेंट जीरो रख देंगे, तो क्या रखोगे, वी वाई इज इक्वल टू कितनी देरी में आप ले पाता है वो टाइम है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जितना वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है उतना ही टाइम वो आगे ले रहा है, क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टू टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस पे आके वापस मिल रहा है, तो उस टाइम पे वाई इक्वल टू जीरो, तो हमने ये रख दिया। यहाँ से आप टी एफ की वैल्यू निकालोगे टू वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी, तो हम क्या देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टू टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम था उसका। सो बेटा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना और जो आपका रेंज है वो फाइंड आउट करना। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा बी रेगुलर, बी पेशेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
थैंक यू बेटा, गुड ब्लेस यू।